कैसे हैं आप सब लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का सुबह का सेशन हमेशा होता है हमारा जो वोकैबुलरी का बूस्टर होता है, एक तरीके से बोले क्या आता हूँ मैं द हिंदू के कुछ अच्छे वर्ड्स आपके सामने फिर से लेके आया हूँ मैं। तो आई थिंक आपको सेशन पसंद आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो देखो अपना सेशन होता है कि जो वोकैबुलरी होती है, अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। साथ साथ में आपको पता ये भी होना चाहिए कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप यदि किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो फिलर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स वाले, उनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जैसे नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा या फिर आपके एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं वर्ड के साथ में वो भी बताने वाला हूँ और साथ में वर्ड के मीनिंग, उसके एग्जाम्पल्स, उसके यूजेज भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो। पहला वर्ड अपना दैट इज कैनवास। कैनवास, देखो कैनवास आपको पता है एक तरीके से वर्ब है, ठीक है। इसमें आपका पहली बात तो डबल एस है। कैनवास, देखो कैनवास एक तरीके से आपको पता है कैनवास का कपड़ा भी होता है, लेकिन वो नाउन के रूप में हो जाएगा और उसमें सिंगल एस भी आता है। यहाँ पे डबल एस की बात कर रहे हैं कैनवास, ठीक है। और कभी कभी डबल एस भी उसमें भी लिखते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वर्ब की बात कर रहे हैं। कैनवास जो वर्ब होती है उसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे मान लो कि एक तरह से घूमना, और घूम घूम कर क्या पूछना कि लोगों से उनके ओपिनियन पूछना या फिर उनसे कुछ उनका एग्जामिन करना कोई चीज़ को, यानी कि गेट द ओपिनियंस, किसी पर्सन के ओपिनियंस को मांगना। या फिर जैसे आप बोलते हैं ना कि अभी जैसे इलेक्शंस होते हैं तो आपके जो लीडर्स होते हैं वो घूम घूम कर वोट मांगते हैं, है ना। तो एक्चुअल में कैनवास करते हैं, वो कैनवास करते हैं, वो घूमते हैं और अपने लिए वोट मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं अपने लिए, लेकिन वो उसकी डिमांड करते हैं। दैट मीन्स गेट द ओपिनियंस ऑफ पीपल बाई आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी डिमांड क्या है और उनके बाद में उनकी ओपिनियन लेते हैं, उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी वर्ब हो जाएगी कैनवास। या भी इसको ओपिनियन पोल भी बोलते हैं। ओपिनियन पोल का मतलब एक तरह से लोग क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है। आपको पता है कि ओपिनियन पोल आता है जैसे इलेक्शन का, तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि कौन सी पार्टी जीतने वाली कौन सी नहीं जीतने वाली है। तो एक्चुअल में कैनवास की प्रोसेस ही होती है। इसको अपन एग्जामिन बोल सकते हैं या फिर स्टडी करना भी इसको बोल सकते हैं। तो आपकी कैनवास वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो कैनवास को आपको याद रखना है, डबल एस आता है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट जो वर्ड है अपना, वो अपना है बिलीगर। इसको आपको ढंग से प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, बिलीगर बोलते हैं और स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, BELEAGUER, ठीक है। इसको बोलना है बिलीगर। पहली बात तो आपकी ये बिलीगर एक तरह से वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब में इसको बोलते हैं कि किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अनॉय करना, उसको मतलब कि परेशान करना, है ना। और परसिस्टेंटली का मतलब क्या हो जाएगा, परसिस्टेंटली का मतलब होता है कि कंटिन्यूअली, यानी रुकना नहीं। यदि सामने वाला पर्सन बोले कि रुक जाओ, फिर भी नहीं रुको, उसको कंटिन्यूस परेशान करते रहो, दैट इज कॉल्ड बिलीगर। या फिर ऐसे बोल दो कि जैसे मान लो मिलिट्री होती है, मिलिट्री क्या करती है, अपने दुश्मन को घेर लेती है, फिर ऑब्वियसली उसको परेशानी करेगी, है ना। परेशान इन द सेंस कि वो उसको अपने गिरफ्त में ले लेगी या फिर उसको जब्त कर लेगी, उसको घेर लेगी, है ना। तो इस चीज को भी बिलीगर ही बोलते हैं, यानी कि इन सर्कल करना एज ए मिलिट्री टैक्टिक। इन सर्कल का मतलब कि उसको चारों तरफ से घेर लेना, इन सर्कल का मतलब चारों तरफ से घेर लेना उसको, जैसे कि मिलिट्री घेरती है वैसे ही घेर लेना, उसको भी बिलीगर ही बोलेंगे। जब्त करना या फिर घेरने का एक वर्ड और भी है, अच्छा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बीसीज। इसका मतलब भी घेर लेना होता है, कोई आपका एनिमी है आप उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बीसीजिंग, है ना, उसको बीसीज बोलेंगे। और इसके लिए आपका एक सिनोनिम और भी है, दैट इज सर्कमवेंट। सर्कमवेंट उसका मतलब क्या होता है, घेरना। तो अच्छा वर्ड है बिलीगर। पहली बात तो ये वर्ब है, किसी को जानबूझ के और कंटिन्यूअली परेशान करते रहना, दैट इज अनॉय, है ना, दैट इज बिलीगर। एग्जाम्पल देखना इसके, इसका एग्जाम्पल लिखा मैंने, द चिल्ड्रेन बिलीगर द बॉय बिकॉज ऑफ हिज स्टेमर। कहने का मतलब स्टेमर क्या होता है, देखो यहाँ पे एक स्टेमर और नया अच्छा वर्ड हो जाएगा आपके लिए। स्टेमर का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब रुक रुक कर बोलना या फिर हकलाना, है ना, जिसकी आवाज़ टाइमली नहीं आती या फिर उसको वर्ड्स का थोड़ा नॉलेज नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कि वो हॉल्ट कर रहा है या फिर स्टेमर कर रहा है। तो चिल्ड्रेन आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ जब तक क्लियर नहीं होती तब तक उनको समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो फिर वो अपन धीरे धीरे उनसे अनॉय होने लग जाते हैं, है ना, जैसे थोड़ी थोड़ी अपन को ऐसे झुंझलाट सी होने लग जाएगी कि क्या बोलना चाह रहा है ना। तो चिल्ड्रेन बिलीगर्ड द बॉय, चिल्ड्रन ने एक तरह से बॉय को बिलीगर्ड कर दिया, यानी उनको एक तरह से अनॉय किया, बिकॉज ऑफ हिज स्टेमर, यानी कि अपनी स्टेमर यानी अपनी जो बोली थी उसको समझ में नहीं आई बॉय को, तो बॉय क्या हो गया, उससे बिलीगर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से परेशान करना, है ना, आप समझ लो कि परेशान करना इसका मीनिंग हो जाएगा। इसको यूज कैसे करना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड अपना दैट इज वेरी।
वेरिक होता है आपका, जैसे पहली बात तो ये एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, तो मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे दोनों लिख दिया, ठीक है, तो आपको पता लग जाए कि वेरिक का दोनों का मीनिंग होता है, एडजेक्टिव भी और वर्ब भी, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, पहली बात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि फिजिकली एंड मेंटली फेटिग्ड, दैट मीन्स कि कोई पर्सन यदि फिजिकली या फिर जैसे बोल सकते हैं शारीरिक रूप से या फिर मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, यदि फटिग का मतलब होता है कि थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि एग्जॉस्ट हो जाना, मान लो सुबह से शाम तक कोई आदमी काम करता है तो लास्ट एंड तक यानी शाम तक या रात तक वो फिजिकली भी आपका एग्जॉस्ट हो जाता है और आपको मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को यानी एक तरह से आप टायर्डनेस की तरफ बढ़ते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं वियरीनेस, है ना, वियरी, तो आपका एडजेक्टिव भी है वर्ब भी है, एग्जॉस्ट हो जाना और गेट टायर्ड थ्रू ओवर यूज और ग्रेट स्ट्रेन और स्ट्रेस। कहने का मतलब यदि किसी चीज़ का मान लो कि वेरिएबल बात करें, कोई मशीन आप लेके आए, ठीक है, यदि आप उसका ओवर यूज करते हो, मान लो उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम एक साथ में 5 घंटे इसको यूज करना है और आप उसको 6-7-10 घंटे यूज करते हो, तो मुझे बताओ वो मशीन खराब नहीं होगी क्या? वो एक्चुअल में कोई भी स्ट्रेन और स्ट्रेस से, स्ट्रेस का मतलब उस पर कोई प्रेशर आएगा, ठीक है, तो वो खराब होने लग जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, वियरीनेस की कंडीशन है, या फिर एग्जॉस्ट हो जाना और गेट टायर्ड हो जाना किसी भी काम से, कोई भी काम आप यदि ओवर यूज करते हैं उसका, तो वो एग्जॉस्ट हो जाना एक तरीके से आप थक जाना उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वियरीनेस, ठीक है। इसका एक तरीके से और मीनिंग भी होता है वर्ब के रूप में, वो होता है कि लूज इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट खो देना, ठीक है, कि आप कोई लेके आते हैं कोई चीज़ नई नहीं होती तो उसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टाइम के बाद में उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे गायब हो जाना ना वो चीज़, और बिकम बोर्ड यानी उससे बोर हो जाना विद समथिंग और समबडी, यानी किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से उसमें इंटरेस्ट खो देना या फिर उससे बोर हो जाना, इस काइंड ऑफ वियरी। सो वियरी आपका एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, दोनों कंडीशन जाएंगे इसके अंदर, तो आपको याद करना है ना। अच्छा वर्ड जैसे आप सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, तो उसे आप शाम तक क्या होते हैं, आप वियरी हो जाते हैं, मान लो कि आप फिजिकली तो नहीं होते लेकिन आप मेंटली जरूर वियरी हो जाते हैं, बिकॉज आपका मेंटली एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शाम तक का आपका इतना डेटा भर जाता है अंदर माइंड के अंदर, उसको ब्रेन से निकालना एक तो सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप वियरी कंडीशन फील करते हैं शाम तक। नेक्स्ट अपना जो वर्ड है दैट इज पेट्रोनेज, देखो पेट्रोनेज अच्छा वर्ड है और कहीं ना कहीं पेट्रोनेज आपका जो एक वर्ड बनता है अपने पास पिता के लिए, आपका वर्ड होता है पेट्रो, जो आपका पेट्रीसाइड वर्ड होता है एक तरह से, एक पेट्र आपका जो पेट्रियार्क होता है, तो आपका पेट्री वर्ड आता है उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं अपने फादर से रिलेटेड होता है, है ना, और फादर अपने को क्या करते हैं, अपने को सपोर्ट करते हैं, है ना, अपने को पालते हैं, अपने को राइज करते हैं, तो आपको पता है कि वो सपोर्ट करते हैं, तो यदि इस वर्ड को यदि वर्ब के रूप में यूज किया जाए दैट मीन्स हो जाएगा कि अपने को सपोर्ट करना, बैक करना, बैक का मतलब कि उसको कंधे से कंधा मिला के खड़े होना कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, या फिर इसको स्टैंड बाई बोल सकते हैं, स्टैंड बाई। तो इसका मतलब पेट्रोनेज का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि ये नाउन है कि वर्ब है, क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए ये नाउन भी है और वर्ब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। देखो मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी जो नाउन एंड वर्ब्स होती हैं उनको आप चाहो तो मतलब कि दोनों सेम यूज कर सकते हैं, ऐसा मोस्टली चीज़ों के साथ होता है, तो मैंने ऐसा देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बात करते हैं इसका मतलब, द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रूवल एंड सपोर्ट, यानी कि एक ऐसा काम जो कि आपको अप्रूवल प्रोवाइड करे और आपको सपोर्ट प्रदान करे, आपको सहारा प्रदान करे, आपको करेज करे, दैट इज कॉल्ड पेट्रोनेज। सपोर्ट बाय बीइंग ए पेट्रोन ऑफ, पेट्रोन होता है जैसे अपन गार्जियन की बात करते हैं, गार्जियन अपने पेरेंट्स गार्जियन होते हैं, अपनी एक तरह से सुरक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं अपने को, है ना, तो अपने को कोई चीज ऐसी सपोर्ट करे जैसा जैसे वो अपना पेट्रोन हो, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, पेट्रोनेज बोलते हैं। एक इसका जो डिफरेंट मीनिंग है वो आपको देखना चाहिए, जो अपना थर्ड वाला है वो अपना है बी ए रेगुलर कस्टमर और क्लाइंट ऑफ। कहने का मतलब जैसे आप यदि बिजनेसमैन हैं और कोई पार्टी है जो आपसे हमेशा सामान खरीदती है या फिर सामान बेचती है, ठीक है, तो एक्चुअल में आप उससे वो आपको सहारा प्रदान करता है, आपको पता है क्योंकि आपको आपकी इकोनॉमी बूस्ट करता है, आपसे चीज़ें खरीदता है तो आपको पैसा देता है, टाइम टू टाइम देता है, तो कहीं ना कहीं आपको सहारा प्रदान कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो यदि किसी का यदि रेगुलर कस्टमर होना या क्लाइंट होना भी आपका बोल सकते हैं कि एक तरह से पेट्रोनेज के अंडर ही आएगा, इट कम्स ऑल्सो अंडर द पेट्रोनेज, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं बैकिंग करना, यानी उसको बैक करना, सपोर्ट करना, या फिर बैकअप देना। बैकअप क्या होता है, जैसे आपका बैटरी बैकअप होता है ना, बैटरी बैकअप का मतलब आप कहते हैं कि आपकी बैटरी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, तो बैकअप क्या होता है, कितनी देर तक वो आपको सपोर्ट करता रहेगा, कितनी देर तक आपका उसमें इंटरनेट चलता रहेगा, या फिर कितनी देर तक वो मतलब कि कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस कंडीशन में रहेगा, तो इसको बोलते हैं बैकअप।
तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए हो जाएंगे, पैट्रोनाइज के लिए, जो कि नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड अपना ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू वर्ड होता है, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, दैट मींस किसी को मॉडिफाई करेगा, ऑब्वियस है कि नाउन को मॉडिफाई करेगा। ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है कि कोई यदि चीज टूटी फूटी होती है, डिस्टोर्ट का मतलब होता है टूटा फूटा होना, है ना, अपनी एक्चुअल कंडीशंस में नहीं होना, मतलब कि जैसे उसका कुछ भी उस टूट जाना, कोई भी चीज का डिस्टोर्ट हो जाना, एंड डिस्टोर्ट एंड अननेचुरल इन शेप और साइज। जैसे उसकी शेप होनी चाहिए, जैसे उसकी साइज होनी चाहिए, जितनी साइज में वो होना चाहिए एक्चुअल में, मान लो वो उतनी साइज में नहीं रहो कोई चीज, या फिर अननेचुरल भी हो, या फिर टूटा फूटा हो, डिस्टोर्ट हो, तो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। इसके लिए वर्ड हो सकता है अबनॉर्मल, है ना, अबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, जो सामान्य रूप से सही नहीं है, दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मल। या फिर हीडियस, हीडियस होता है कि घृणास्पद, है ना, जिसको अपन घृणा करते हैं कि आपको पसंद नहीं आता, आप उसे हेट करने लगते हैं, अबहोर करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं कि क्या, कि ये हीडियस चीज है, मैं इसको देखना पसंद नहीं करूंगा, मुझे घिन आती है इससे, तो हीडियस का मतलब कहीं ना कहीं घिन से हो जाता है, आप उसको याद कर सकते हैं। या फिर फैंटास्टिक। फैंटास्टिक देखो यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वर्ड, तो फैंटास्टिक आपका दोनों सेंस में यूज हो सकता है, है ना, फैंटास्टिकली इनकरेक्ट भी बोल सकते हैं आप चाहें तो फैंटास्टिक जो वर्ड है वो कोई जरूरी नहीं कि आपका पॉजिटिव वर्ड है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इन नेगेटिव सेंस में आपका फैंटास्टिक मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, एंटिक होता है, एंटिक मतलब बहुत ज्यादा पुराना होता है, एंटिक आपके एंटिक पीस होते हैं ना, आपके एंटिक पीस होते हैं बहुत पुराने होते हैं, देखो पुरानी तो चीजें होती है ना, देखो वैसे तो बोला जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, बट देखो मैं बात कर रहा हूँ कि पुरानी चीज़ें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं, अमूमन ऐसा होता है टूट फूट जाती हैं, उनमें आपको सुधार की काफ़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं एंटिक, तो वो थोड़ी सी अजीब दिखती हैं, आपको पता है आउट ऑफ द फैशन हो चुकी होती हैं, तो आपको अजीब दिखती हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोटेस्क्यू अगेन, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ए ग्रोटेस्क्यू रिफ्लेक्शन इन द मिरर। मान लो आपने मिरर में आप अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, आप अपनी परछाइयां देखते हैं, ठीक है, और मान लो कि कांच टूटा हुआ ढंग से आपको दिख नहीं रहा, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बद्धा दिखेगा, आप उसको पसंद नहीं करोगे, आपको घिन सी आएगी ना, तो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू रिफ्लेक्शन इन द मिरर। समझ में आ गया, अच्छा वर्ड आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास अकिन टू। अकिन टू होती है पहली बात वर्ब होती है, ठीक है, अकिन टू पहली बात वर्ब होती है, और आप बोल सकते हो फ्रेजल वर्ब होती है। अकिन टू का आप ध्यान दे तो उसका मतलब होता है कि कोई किसी की तरह दिखना, है ना, जैसे एक वर्ड होता है मैं बताऊं आपको, दैट इज रिजेम्बलेंस, है ना, रिजेम्बल करना किस क्या होता है, रिजेम्बल करने का मतलब होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या होंगे भाई, बच्चों में बात करें तो जीन्स वगैरह कहाँ से आए, पेरेंट्स से तो आए हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा कि पेरेंट्स के जो लक्षण होंगे, जैसे वो दिखते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स होंगे, गुण होंगे, जैसे किसी मान लो पेरेंट की हाइट ज़्यादा है तो उसके बच्चों की भी हाइट ज़्यादा हो सकती है, तो वो उनकी तरह दिखते हैं शक्ल के अंदर, है ना भाई, ये तो कह सकते हैं कि ये तो उनका लड़का, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो उसको बोलेंगे अकिन टू, या फिर रिजेम्बलेंस करना, समान दिखना बिल्कुल, कि उसमें दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, जैसे दो जुड़ा बच्चे होते हैं वो आपस में रिजेम्बल करते हैं। समझ में आ रहा इसका समझ में आ गया कैसे होगा, दैट मीन्स कि रिजेम्बल करने का मतलब हो जाएगा कि आपको उसकी तरह ही दिखना, उसकी तरह दिखना मतलब कि आप उससे कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बोल सकते हैं, रेप्लिका भी बोल सकते हैं इसको, तो सिमिलर इन क्वालिटी और करेक्टर, क्वालिटी के अंदर सिमिलर होना या फिर करेक्टर के अंदर सिमिलर होना, उसको क्या बोलेंगे, अकिन टू बोलेंगे। ठीक है, कि आप चाहे तो शक्ल में सेम दिखते हैं, चाहे उसके करेक्टर में सेम हो, चाहे क्वालिटी में सेम हो, तो अकिन टू यहाँ पे यूज हो सकता है, या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू, रिलेटेड बाय ब्लड, यानी कि आपका खूनी रिश्ता होना, जैसे आपका ब्रदर है तो वो आपकी तरह दिखेगा, तो अकिन टू वहाँ पे यूज हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि आपके कोई ब्लड रिलेशन है तो उस वो पर्सन आपकी तरह दिखेगा, तो आप अकिन टू यूज कर सकते हैं। देखो एक वर्ड है अपने पास, दैट इज आवर थर्ड वर्ड इज कंसेंग्विन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कंसेंग्विन का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड, जो मैंने ऊपर लिखा है उसका मीनिंग मैंने नीचे भी लिखा है, और कंसेंग्विन का मतलब होता है रिलेटेड बाय ब्लड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इस जो आप ये सेंग्विन वर्ड कहीं देखते हैं सेंग्विन, तो आप सोच लेना कि वो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। जैसे आपके पास कभी कभार ऐसा होता है ना कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है किसी पर्सन का, और उससे फिर बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है बाहर, उसकी बॉडी से खून निकलता है, और मान लो कि अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो गई, तो आप क्या बोलोगे, किस चीज़ के कारण डेथ हुई, आप बोलोगे एक्स सेंग्विनेशन, तो एक्स का मतलब बाहर निकलना, ई एक्स का मतलब बाहर निकलना, और सेंग्विनेशन मतलब ब्लड,
दैट मीन्स ब्लड के बाहर निकलने से उस पर्सन की मौत हो गई, तो आप रीजन बताएंगे क्या कि एक्स सैंग्विनेशन के कारण उसकी मौत हो गई। अच्छा वर्ड है सैंग्विन का मतलब रिलेटेड टू ब्लड। और देखो एक वर्ड आपके पास या आपकी एडियम होती है किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है कि अपने क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, रिलेटिव्स की बात करेंगे, जो अपने से ब्लड से रिलेशन रखते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है किथ एंड किन। ठीक है, जैसे अपना ब्रदर हो गया, सिस्टर वगैरह, मदर फादर वगैरह हो गए, वो सारे अपने किथ एंड किन होते हैं। अच्छा वर्ड था, अच्छे इसके एग्जाम्पल्स थे, इसके सिनोनिम्स थे, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अपना ग्रीवस, क्या प्रोनाउंसिएट करना है इसको, ग्रीवस, फिर इसको ग्रीवियस भी बोल सकते हैं। पहली बात ये आपका एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका होता है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगना, कॉजिंग फियर और एंग्जाइटी बाय थ्रेटनिंग ग्रेट हार्म, दैट मींस कि उससे आपको डर लगे या फिर आपको एंग्जाइटी होने लग जाए। मान लो कोई आपके पास हैजार्ड है, जैसे मान लो कोई फ्लड आ गई, अब फ्लड क्या करेगी, आपको पता है बाढ़ आती है तो आप परेशान होते हैं, उससे आपको डर भी लगता है, आपको थ्रेटन भी होते हैं आप, तो दैट मींस कि आपके वो ग्रीवियस कंडीशंस हैं, ग्रीवियस सिचुएशंस हैं, है ना। ऑफ ग्रेट ग्रेविटी और क्रूशियल इंपोर्ट रिक्वायरिंग सीरियस थॉट, ऐसी सिचुएशन जिसपे आपको, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, समझ में आ रहा है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे वो आपकी ग्रीवियस कंडीशंस होती हैं। अच्छे वर्ड्स आपके सिनोनिम्स अच्छे हैं इसके, एट्रोसियस, ठीक है, एट्रोसिटी क्या होती है, एट्रोसिटी होती है हजार्ड, है ना, हजार्ड जो होते हैं आपकी आपदा होती है उसको एट्रोसिटी बोलते हैं, और एट्रोसिटी से वर्ड से बना अपने पास एट्रोसियस, ठीक है। सेवियर, सेवियर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपको कठिन या फिर सख्त या फिर हार्ड, है ना, सेवियर बहुत अच्छा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। ग्रेव, ग्रेव आपको पता है, ग्रेव को नाउन में बात करें तो होती है कब्र, लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव हो जाती है तो ग्रेव का मतलब होती है बहुत ही दुखद, बहुत ही ऐसी सिचुएशन जो आपकी डिमांड करते हैं कि आप चौकने रहें, आप सोच समझ के चलें, या फिर एडवर्स कंडीशंस बोल सकते हैं इनको, ग्रेव कंडीशंस को एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। और फ्लेजिटस, फ्लेजिटस का मीनिंग भी आपका ग्रीवियस होता है, यानी ऐसी सिचुएशन जो आपको डराए, आपको धमकाए या फिर आपको एंग्जाइटी में ला दे, उसको बोलते हैं ग्रीवियस, ठीक है, आपका एडजेक्टिव था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना निगल, निगल आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है कि बिना मतलब कि बिना कोई आपकी प्रॉब्लम के आप चिंता में होते हैं, वरी अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से चिंता करना और एक्सेसिवली ज्यादा करना, स्केपेबल यानी लड़ना, आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स यानी छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ये आपका हो जाएगा निगल। इसका एक सिनोनिम आपका अच्छा वर्ड है, आपने शायद इसको सुना हो, दैट इज पेटी फोक, ठीक है। पेटी फोक आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो पेटी आपके यहाँ आता तुच्छ बातें, ठीक है, तुच्छ बातें, और उसके बाद एफ ओ जी यानी फोक, फोक मतलब होता है आपको पता है धुआं होता है, तो आप छोटी छोटी बातों पर और मतलब कि इतना लड़ने लग जाते हैं कि आप मान लो कि आपने आग लगा दी, है ना, तो धुआं उठने लग गया। तो मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि याद कैसे करना है, तो पेटी फोक आपको वर्ड हो जाएगा, याद कैसे करना है कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना, ये हो जाएगा। स्क्वाबल मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है, और क्विबल, क्विबल भी अच्छा वर्ड है, क्यू यू आई डबल बी एल ई, क्विबल इसका मतलब भी क्या होता है, निगल यानी इस तरह से बिना सोच समझे या फिर बिना कोई बिना कोई परेशानी के आप परेशान होने लग जाते हैं, मतलब आपको कोई परेशानी है ही नहीं फिर आप परेशान हो रहे हैं, यानी वरी होना अनावश्यक रूप से और एक्सेसिवली यानी ज्यादा रूप से, इसको क्या बोलेंगे, निगल बोलेंगे, जो कि आपकी वर्ड है, ठीक है। ये आपके आपके सारे वर्ड्स थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको और अच्छे वर्ड्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के वर्ड्स चाहिए, लाइक आपको idiom phrases ज़्यादा चाहिए या फिर adjective या फिर verb, ठीक है। तो होपफुली आपने वीडियो को लाइक किया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।